मेथी के लड्डू बना सकते हैं। ये फिश का नेमुल बदल है जो आपके बालों को अच्छा करेगा, आंखों को रोशन करने में आपकी मदद करेगा, इंसुलिन को कम करने में आपकी मदद करेगा, कमर दर्द को सही करने में आपकी मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस, और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर वीडियो ही इम्पॉर्टेंट होती है, मगर कुछ वीडियोस बनाते हुए आपको बहुत दिल से खुशी होती है, जैसे मुझे हो रही है, क्योंकि जिस हर्ब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बीइंग अ मुस्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारका का मफहूम बयान कर रही हूँ कि अगर लोग जान जाएं कि मेथी दाने के फ़वाद क्या हैं तो सोने के मोल बिके। क्या आपने कभी मेथी दाने के लड्डू खाए हैं? यकीनन नहीं खाए होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर, बालों को ग्रोथ, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा, और बच्चों को भी आप जो है ये खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक ऐसा मीठा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे को भी कम करे। ये छोटा लड्डू जो है आप इसके दो टुकड़े करके बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपने ये भी बनाना सीखना है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जानना है मेथी दाने के, तो ये वीडियो आपके लिए। रहिए हमारे साथ, आइए चलते हैं किचन में और सीखते हैं कि हम मेथी दाने से क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सर्दियों का तोहफा देने वाली हूँ। वो क्या है कि आप मेथी के लड्डू बना सकते हैं। जो नहीं खाते उनको भी दें। ये फिश का नेमुल बदल है, जो फिश नहीं खाते वो ये वाले लड्डू ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये है मेडिसिनल लड्डू जो आपके बालों को अच्छा करेगा, आंखों को रोशन करने में आपकी मदद करेगा, इंसुलिन को कम करने में आपकी मदद करेगा, कमर दर्द को सही करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ बहुत मज़े का है, एक छोटा लड्डू आप बच्चों को, और जो बड़े हैं वो दो लड्डू भी खा सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। जी, तो ये लड्डू बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का लिया था, इतना सा मैं आपको बताती हूँ। ये अदरक का पीस इतना सा, वो मैंने चॉप कर दिया है। उसके बाद मैंने दो जवे लहसुन लिए, दो जवे लहसुन को भी मैं चॉप कर रही हूँ, और मैंने 8 से 10 बादामें पीसा हुआ पाउडर इसमें डाला है। इसमें गुड़ कितना डाल रही हूँ आप देख लीजिए, तकरीबन, क्योंकि लड्डू है तो मीठा तो होना चाहिए, और वैसे ही गुड़ सर्दियों में आपकी हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें डाला है 100 ग्राम। ये मेथी दाने का पाउडर जो हमने यहाँ पीस के रखा है, मेथरे का पाउडर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कितना है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपने लेना है, क्योंकि ये हमने लेना 50 ग्राम पाउडर ये मैं इसमें ले रही हूँ। इसमें अलसी भी मैं 50 ग्राम ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता है, अलसी भी ओमेगा 3 है। इस अलसी का तेल वैसे ही दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने अलसी को रोस्ट करके लिया है, थोड़ा हल्का सा सोते करके। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। जी, ये पिस गया है, इसको हम निकाल के बताते हैं। ये देखिए, ये सारा गुड़ की और इसकी वजह से ना सारा इसमें, ये देखिए, इसमें दो चीज़ें और डलेंगी। ये यहाँ मैंने 1 कप आटा लिया है, इसको मैं भूनूंगी पहले, सही है, हल्का सा भूनने के बाद फिर इसमें डालूंगी। हमारा फ्राई पैन बहुत गर्म हो गया था, अगर आटे को हम वो कर देंगे ना, ये 1 कप आटा डालना है बस। ये 1 कप हो गया, इसमें बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ था, इसका बस कलर चेंज कर लें आप। कलर चेंज होगा और इसको एक भीनी सी खुशबू आने लगेगी, तो आप समझ लें कि आपका
जो बुनाई हो गई है, जैसे हम हलवे वगैरह के लिए करते हैं, तो बस ये हो गया। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। एक और चीज़ होगी, वो क्या है, यहाँ पे रखा है देसी घी। देसी घी सिर्फ 2 चम्मच बस। इसको हल्का गरम करना है और ये भी इसमें चला जाएगा। फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके लड्डू की शक्ल दे देनी। इतना ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो आटा पहले से भून कर जब ग्राइंड कर रहे हो उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ तो मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ। ये थोड़ा सा ठंडा होगा फिर ही मैं इसको लड्डू की शक्ल दूंगी। जब तक आप सब जानते हैं कि मेथी दाना शुगर के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको एक मेथी दाने की बहुत आसान सा चाय बता देती हूँ। 4 से 5 दाने मेथी दाना लें, उसको पहले ओवरनाइट सोक करें, गरम करें, चाहें तो इसमें नींबू और शहद डाल के पिए। ये जो है, शहद डालेंगे तो शुगर के लिए नहीं होगा, शहद डालेंगे तो मोटापे को कम करने के लिए आप पी सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है ये चाय, आप पी के देखिएगा ये कहवा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मोटापे के लिए ले रहे हैं मेथी दाना तो लोग भर भर के एक एक चम्मच डालते हैं। मेरा तजुर्बा है कि आपने बहुत ही कम डालना है, ठीक है। इतना हो गया कि मैं हाथ लगा सकती हूँ, तो मैं इसको इस तरह करके मिक्स कर लूँगी। अब ये वाले जो लड्डू हैं, ये आप बुज़ुर्गों को दें, आप जो है घर में मेहमान आए उनको दें, चाहे तो इस पर तिल का कवर भी चढ़ा सकते हैं। इसमें से ना आपको लहसुन की, अदरक की, गुड़ की इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही मज़े का होता है। या मैं आपको छोटे छोटे लड्डू बना के बता देती हूँ। आप इसमें 2 और चीज़ें डालेंगी, मैं आपसे बातों में भूल गई, ये अजवाइन है। इससे बहुत, जब अजवाइन और गुड़ मिलता है ना, बहुत मज़े का जायका लगता है। और वैसे भी अजवाइन दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला है। और इसमें मैं पिंच हल्दी ले रही हूँ। इसको इस तरह करके ना दोबारा गूंद लूँगी। सारी चीज़ें आपस में मर्ज करना है, यकजा करना है। ये देखिए इस तरह, आपने यहाँ टाइम ज़्यादा ना हो जाए, हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यकजा करना है। और इसके लड्डू कैसे बनाएंगे, ये लड्डू बन गए, बहुत ही इसके छोटे लड्डू बनाए, बड़े लड्डू जो है ना खाए नहीं जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्म से मतलब कि ये आपको सर्दी से बचाते हैं। सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, खिंचाव होना, पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचावट होना, असाबी कमज़ोरी, एक नई चीज़ है और बेनिफिशियल है। बनाइएगा ज़रूर और अब खाने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये जो छोटा लड्डू बनाया है, ये जो है आप एक बच्चों को दें, और मैं हर साइज़ के लड्डू बना के रख रही हूँ। ये बड़ों के लिए है, ये जो है छोटों के लिए है। हम दवा भी तो खिलाते हैं ना बच्चों को, तो आप लड्डू भी खिला सकते हैं। और इसको अच्छा करना हो तो आप खोपरा तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन सही इतना बहुत आसानी से बहुत झटपट तैयार होता है। अगर आपकी दूसरी तैयारी है तो बड़ा झटपट तैयार होता है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। इसको बना के 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े मैंने हर साइज़ के बना दिए हैं, जायके में बहुत अच्छा। खा के बता देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए। आप लोग को बताने के लिए सारे टेस्ट आपको आएंगे, अजवाइन का, गुड़ का, मेथी दाने का। लेकिन आप यकीन करें बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छा। हल्का सी कड़वाहट आएगी लेकिन खा लिया जाएगा। तो ये एक छोटा लड्डू, इसको आप दवा के तौर पर पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें। अलसी का सबके टेस्ट आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बना है, क्योंकि ये भी दवा के तौर पर इस्तेमाल करें जो आपको ठंड से बचाएगा, ठंड में होने वाले बहुत सारे अमराज से बचाएगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और ये वीडियो भी आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।